हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त मनु यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भाई, आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी और काफ़ी ज़्यादा सवाल था, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि कौन सी बाइक परचेज करनी चाहिए, रेडर 125 या फिर एक्सट्रीम 125। तो आज इस वीडियो में मैं दोनों बाइक का डिटेल्ड कंपैरिजन आप लोगों के सामने करने वाला हूं कि बाइक किस पर्पज़ के लिए, कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर होने वाली है, कौन सी बाइक अच्छा माइलेज देगी, कौन सी अच्छा कंफर्ट देगी, कौन सी लॉन्ग लाइफ देगी और ओवरऑल बाइक की कौन सी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, कौन सी का इंजन अच्छा है, कौन सी की ब्रेकिंग अच्छी है। मतलब टोटल जो भी कन्फ्यूजन है आप लोगों के दिमाग में कि यार मुझे कौन सी बाइक परचेज़ करनी चाहिए, तो वो कन्फ्यूजन दूर आज ज़रूर करूँगा। तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को शुरू। तो भाई, दोनों बाइक खड़ी हुई है यहाँ पे और दोनों के फ्रंट लुक को आप एक बार देख लीजिए, कौन सा लुक आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी जो डिटेल होने वाली है वो तो मैं आप लोगों को खैर बता ही दूंगा। दोनों बाइक्स के अंदर अपने को यहाँ पे LED DRL मिल जाते हैं, इसके अंदर अपने को ये वाले DRL मिल जाते हैं, LED हेडलाइट मिल जाती है, इसके अंदर भी LED हेडलाइट मिल जाती है विद प्रोजेक्टर। यहाँ पे दो प्रोजेक्टर दिए गए हैं एंड यहाँ पे साइड में और LED हेडलाइट मिल जाती है अपने को। LED इंडिकेटर इसके अंदर मिल जाते हैं विद हैजार्ड, और अपनी रेडर के अंदर भाई अपने को नॉर्मल हैलोजन इंडिकेटर मिलते हैं, हैजार्ड का ऑप्शन उसके अंदर अपने को देखने को नहीं मिलता है। फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो भाई काफ़ी थिक 37mm के इसमें फ्रंट सस्पेंशन दिए गए हैं और रेडर के अंदर भाई थोड़े से कमज़ोर दिखते हैं वो, मुझे पर्सनली दिखते हैं, और लेकिन क्वालिटी सेगमेंट के हिसाब से ठीक है उनकी। सबसे एक मेजर पॉइंट एक्सट्रीम 125R अपने साथ ये लेके आ जाती है कि इसका जो फ्रंट डिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और साथ ही साथ यहाँ पे भाई अपने को ABS ऑप्शन मिल जाता है। तो इस मामले में भाई मैं डेफिनेटली एक्सट्रीम 125R को एक प्लस पॉइंट देने वाला हूँ कि यार ABS ऑप्शन मिल रहा है तो डेफिनेटली ब्रेकिंग और सेफ्टी हमारी अच्छी होने वाली है इस बाइक को लेकर। TVS रेडर के अंदर बात करें तो भाई इसमें भी अपने को भाई डिस्क का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन ABS अपने को भाई इस बाइक में देखने को नहीं मिलता है। अब एक बार आ जाते हैं दोनों ही बाइक के मीटर पे। तो भाई मीटर आप देख सकते हो कि भाई इसका भी अपने को डिजिटल मीटर दिया गया है जिसके अंदर बेसिक से फीचर है। फीचर की वीडियो आप लोगों ने पहले भी देखी होगी, तो कोई खास फीचर इसके अंदर नहीं दिए गए हैं। एक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, लेकिन उसके अंदर भी अपने को सिर्फ कॉल अलर्ट मिल जाता है, मैसेज अलर्ट मिल जाता है, उसके अलावा कोई ज़्यादा खास ऑप्शन भाई अपने को इस बाइक के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। वहीं अपन TVS रेडर की बात करें तो भाई इसका जो मीटर है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जिसके अंदर अपने को दो ऑप्शन दिए जाते हैं, एक पावर मोड और एक इको मोड। इसके अंदर भी भाई इसकी जो थीम वगैरह है वो चेंज हो जाती है, उसके साथ ही साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन जो मिलता है उसमें अपने को 99 कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं, जिसमें नेविगेशन मिल जाता है, ऐप नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, न्यूज़ अलर्ट मिल जाते हैं, काफ़ी सारे फीचर भाई इस मीटर के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सेगमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर अपने साथ लेके आती है। स्विच वगैरह की बात करें तो भाई बेसिक स्विच हैं, कोई ज़्यादा खास परेशानी भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी भी मैं इनको नहीं कहना चाहूँगा। यहाँ पे अपने को भाई चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है जो कि अपने को एक्सट्रीम 125R के अंदर भी देखने को मिलता है, लेकिन उसमें यहाँ पे छुपा हुआ है इस जगह पे। चार्जिंग स्पीड दोनों ही लगभग समान देने वाली है। साथ ही साथ ये वाली जो बाइक अपनी एक्सट्रीम 125R, ये भाई किल स्विच का ऑप्शन अपने साथ यहाँ पे लेके आती है जो कि रेडर के अंदर अपने को मिसिंग मिलता है। यहाँ पे अपने को पावर मोड, इको मोड का ऑप्शन मिलता है, लेकिन भाई किल स्विच का ऑप्शन अपने को इस बाइक के अंदर नहीं देखने को मिलता है। अब सबसे मेजर पॉइंट मैं करूँ दोनों ही बाइक की बिल्ड क्वालिटी के बारे में अगर बात, तो भाई रेडर की जो बिल्ड क्वालिटी है वो डेफिनेटली मुझे एक्सट्रीम 125R से ज़्यादा बेहतर लगती है। भाई फील किया है मैंने, लगभग 400-500 किलोमीटर से ज़्यादा हम एक्सट्रीम को अभी तक चला चुके हैं, उस टाइम में भाई डेफिनेटली मैंने ये चीज़ फील की है कि जो अपनी रेडर 125 की क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी जो इसकी सॉलिड सी क्वालिटी दी गई है, वो एक्सट्रीम के अंदर थोड़ी सी मिसिंग लगती है। भाई मुझे इसकी क्वालिटी कुछ खास ज़्यादा पसंद नहीं आई है। डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है और स्टेबिलिटी वगैरह भी ठीक ठाक फील होती है, लेकिन भाई जो क्वालिटी है, क्वालिटी के मामले में डेफिनेटली अपनी जो रेडर 125 है वो एक प्लस पॉइंट अपने साथ लेके आ जाती है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले इसलिए बता दी क्योंकि यार ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अब आ जाते हैं इंजन पे, तो भाई वही 125cc का इंजन इसके अंदर मिलता है, वही 125cc का इंजन अपने को इसके अंदर मिलता है। इसके अंदर अपने को 10.5 PS की पावर और 11.4 Nm का टॉर्क मिल जाता है, वहीं अपने को 11.2 PS पावर, 11.2 Nm का टॉर्क रेडर के अंदर देखने को मिलता है, जो एक्सट्रीम 125R से ज़्यादा क्विक है, टॉप एंड भी ज़्यादा अच्छा है। मैंने ड्रैग रेस की है, मैंने दोनों बाइक को काफ़ी चलाया है, तो भाई डेफिनेटली मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि यार जो रेडर का टॉप एंड है या फिर रेडर का जो इनिशियल पंच है वो मुझे एक्सट्रीम से थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लगता है। और साथ ही साथ इंजन रिलायबिलिटी की अगर हम बात करें तो भाई रेडर का इंजन मुझे एक्सट्रीम के इंजन से ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब लॉन्ग टर्म इंजन अगर बात करें तो भाई
एक्सट्रीम 125R का इंजन मुझे इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं लगा जितना अपने को रेडर का लगता है। रेडर आपको लॉन्ग लाइफ दे सकती है, डेफिनेटली लॉन्ग लाइफ आपको ये बाइक दे सकती है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म बाइक चाहिए तो डेफिनेटली आप लोग रेडर की तरफ जाइए। भाई मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इसके इंजन में इतना थोड़ा रिलायबिलिटी कम है, थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए थी। आप इंजन के पास आ ही गए हैं तो भाई बात कर लें किक की। तो भाई 125 सीसी सेगमेंट के अंदर किक भी अपना एक मेजर पॉइंट रखती है। काफ़ी बार ऐसा होता है भाई प्रॉब्लम हो जाती है बैटरी वगैरह को लेके, तो अपना किक का ऑप्शन अपने को मिल जाता है अपनी एक्सट्रीम 125R में। वहीं अपने को रेडर के अंदर किक का ऑप्शन भाई देखने को नहीं मिलता है। अब दोनों ही बाइक की कम्फर्ट की अगर बात करें तो आप एक बार रेडर की सीट देखिए। स्प्लिट सीट दी गई है लेकिन थोड़ा गैप इतना ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा सीट हाइट भी नहीं है, तो डेफिनेटली लॉन्ग रूट के लिए राइडर और पिलियन परेशान नहीं होने वाले हैं, अच्छे से भाई राइड कर सकते हैं। अगर हमें थोड़ा लंबा चलना है, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चलना है, तो डेफिनेटली आप राइडर को लेके जा सकते हो। वहीं एक्सट्रीम की सीट की अगर हम बात करें तो एक्सट्रीम की सीट भाई काफ़ी ज़्यादा ऊंची दी गई है और ब्रेकिंग वगैरह के टाइम पे भाई फैमिली पर्पज़ बाइक मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मान सकता हूं। राइडर के लिए ठीक रहने वाली है, राइडर का कंफर्ट काफ़ी सही लगा है मुझे, मैंने चलाया है। लेकिन जो पिलियन कंफर्ट है, पिलियन कंफर्ट इतना ज़्यादा अच्छा इस बाइक में नहीं देखने को मिलता है। और वहीं भाई राइडर के अंदर अपने को वेरिएंट भी अलग अलग मिल जाते हैं, जिसके अंदर अपने को एक वेरिएंट ऐसा मिलता है सिंगल सीट वाला। काफ़ी भाई कमेंट कर रहे थे एक्सट्रीम को लेके कि भाई उसमें सिंगल सीट ऑप्शन मिलता है कि नहीं मिलता है, सिंगल सीट आना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन उसके अंदर भाई अभी सिर्फ यही ऑप्शन मिलता है, लेकिन रेडर के अंदर अपने को भाई सिंगल सीट का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसको मैं डेफिनेटली एक फैमिली पर्पज़ बाइक कह सकता हूँ। अब दोनों ही बाइक की स्टेबिलिटी ब्रेकिंग वगैरह की अगर बात कर रहे हैं तो भाई साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक्सट्रीम के अंदर अपने को 120 सेगमेंट का टायर मिल जाता है, वहीं अपने को भाई रेडर के अंदर 100mm का टायर मिलता है, जो उसकी ग्रिप को, उसकी स्टेबिलिटी को, उसकी ब्रेकिंग को थोड़ा सा कमज़ोर बनाता है एक्सट्रीम के कंपेरिजन में। तो मतलब भाई सिर्फ आउटर लुक नहीं दिया गया है, टायर के ऊपर भी ध्यान रखा गया है भाई इसमें डेफिनेटली, जो कि हमारी ब्रेकिंग और स्टेबिलिटी वगैरह के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। रियर लुक की बात करें तो भाई रियर में भी जो अपनी एक्सट्रीम है उसका जो रियर लुक है वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी फील करवाता है भाई, काफ़ी ज़्यादा शार्प सी निकली हुई भाई यहाँ पे अपने को टेल टाइडी मिल जाती है, ग्रैब हैंडल्स भी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी से फील होते हैं। वहीं अपने को भाई रेडर के अंदर थोड़ा सा कम्यूटर वाला फील यहाँ पे आ जाता है भाई, मतलब एक स्पोर्टी लुक रियर की साइड से हमें अपनी TVS रेडर नहीं देने वाली है। लेकिन भाई फ्रंट से अगर बात करें तो डेफिनेटली अपनी TVS रेडर काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक और काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आती है भाई। परफॉर्मेंस के मामले में डेफिनेटली मुझे रेडर 125 ज़्यादा बेहतर लगी है एक्सट्रीम 125 से। तो दोनों बाइक का आप एक बार लुक देखिए और दोनों ही बाइक के अंदर आप लोग एक बार ये चीज़ डिसाइड करिए कि लुक के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्या। अगर आप सिर्फ लुक के लिए बाइक लेना चाह रहे हो तो क्या आप एक्सट्रीम की तरफ जाओगे, लेकिन अगर आपको फैमिली पर्पज़ बाइक चाहिए या फिर लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी वाली बाइक चाहिए तो क्या आप लोग रेडर 125 की तरफ जाने वाले हो। अब दोनों ही बाइक के माइलेज की अगर बात करें तो माइलेज के मामले में भी भाई दोनों ही बाइक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा अपने को, कुछ 2-4 का डिफरेंस अपने को देखने को मिलेगा। लगभग 60 प्लस का माइलेज अपने को एक्सट्रीम 125 भी दे देगी, लगभग इतना ही माइलेज अपने को रेडर 125 भी दे देगी। दोनों ही बाइक का माइलेज टेस्ट अपने चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा, माइलेज टेस्ट वीडियो भी आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो। उसके साथ ही साथ एक मेजर पॉइंट आ जाता है कि भाई दोनों बाइक्स का प्राइस क्या रखा गया है। तो भाई इसके अंदर अपने को दो वेरिएंट जो मिलते हैं, 110,000 ऑन रोड और 120,000 ऑन रोड के आसपास इसका अप्रोक्स प्राइस पड़ता है। इस वाली बाइक के अंदर जो अपने को वेरिएंट मिलते हैं उनका प्राइस 110,000 से 130,000 ऑन रोड तक चला जाता है, जिसमें अपने को भाई एक तो नॉर्मल वाला वेरिएंट मिल जाता है जिसमें अपने को एक्स कनेक्ट वाला ऑप्शन नहीं मिलता है, और टॉप एंड वाला वेरिएंट ये जो खड़ा हुआ है स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाला ऑप्शन ये यहाँ पे खड़ा हुआ है। उसके साथ ही साथ अपने को भाई दो स्पेशल एडिशन भी इसके अंदर देखने को मिल जाती है, जो सुपर स्क्वाड एडिशन जिसको बोलते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा काफ़ी वीडियोज़ में या फिर काफ़ी फोटोज़ में, तो वो स्पेशल एडिशन भी भाई इस बाइक में अपने को देखने को मिल जाती है। तो लास्ट में भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक फैमिली पर्पज़ बाइक देख रहे हो तो आपको रेडर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अगर आप सिर्फ एक खुद के लिए, पर्सनल यूज के लिए, अकेले घूमने के लिए अगर सिर्फ एक लुक वाली बाइक आप लोगों को चाहिए तो भाई आप एक्सट्रीम की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म बाइक चाहिए, फैमिली पर्पज़ बाइक चाहिए, तो भाई डेफिनेटली आप लोगों को रेडर 125 की तरफ जाना चाहिए। तो भाई शायद से ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। काफ़ी भाई कमेंट कर रहे थे कि यार कौन सी बाइक परचेज़ करनी चाहिए, तो आई थिंक भाई इस वीडियो के जरिए मैंने आप लोगों का कन्फ्यूजन थोड़ा सा दूर किया होगा। तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।